पिकअप उठ रही है भैया, अगर से रिकवरी वैन हल्की पड़ गई है सफारी के लिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि सफारी के इंजन में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है और बिल्कुल बंद पड़ गई है गाड़ी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? काफ़ी टाइम से गाड़ी में जो इंजन लाइट आ रही थी, और यदि आपने पुराने वीडियोस देखे तो आपको पता ही होगा कि अभी अपन कश्मीर ट्रिप कर गए हैं सफारी स्टॉर्म के साथ, तो ट्रिप से पहले ही इंजन लाइट आ गई थी, तो जल्दबाजी में अपन नहीं दिखा पाए, शोरूम नहीं ले जा पाए क्योंकि अपने घर से थोड़ा दूर पड़ता है शोरूम, और जल्दबाजी इतनी थी कि उस टाइम पे लेके निकल गए बस, कि भाई पहुंचना था उधमपुर और उधमपुर से आगे कश्मीर जाना था अगले दिन, तो ऐसे करते करते नहीं दिखा पाए लास्ट में। हालांकि इंजन लाइट काफ़ी टाइम से आ रही थी, गलती हमसे ही हुई है कि टाइम पर इसको नहीं दिखा पाए, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ अचानक से। तो पहले जब अचानक से रोड पर ही गाड़ी बंद हो गई तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और जब मैकेनिक को बुलाया तो एकदम से धुआं निकलने लगा, पहले टर्बो का बता रहे थे। लेकिन समस्या कुछ और ही है, अभी इन्होंने टर्बो खोला हुआ है और टर्बो से ही ऐसा धुआं आ रहा है, देख सकते हैं आप कितना तकड़ा। इमरजेंसी में जो मैकेनिक मैंने बुलाए थे ये किसी दूसरी गाड़ियों में काम करते हैं, तो इन्हें एग्जैक्ट नहीं पता था हुआ क्या है, ये टर्बो का देख रहे हैं यहाँ पे और ख़राब हुआ है EGR इसमें। बहुत बुरा लग रहा है यार सफारी को ऐसे रिकवरी वैन के साथ भेज के, ऐसा लग रहा है जैसे एम्बुलेंस में किसी पहचान वाले को भेज रहे हो। भाई हुआ ये है कि इसमें जो EGR आता है उसका वॉल टूट गया है, टाइम पे गाड़ी ना दिखाने की वजह से वो उसमें बहुत ज़्यादा रस्ट आ गया और उसके बाद वो वॉल टूट गया। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है टोइंग वैन में, मैं खुद इनके साथ नहीं गया तो वीडियो बना लेना चाहिए, ताकि बाद में ये ना बोल दे कहीं ठोक के कि आपने पहले से स्क्रैच इसमें कर रखे थे, ये कुछ सामान पड़ा इसका मैंने वीडियो बनाया। पर यदि आप रिकवरी वैन के साथ शोरूम तक नहीं जा रहे हैं तो वीडियो बना लेना चाहिए, बाकी इसमें देखते हैं कितना क्या खर्चा आता है। यदि EGR ख़राब हुआ तो शोरूम से लगभग 50,000 रुपये का मिलता है नया, और वो रिपेयर भी नहीं हो सकता है, बाकी मैं आपको अपडेट करूँगा कि कैसे क्या चल रहा है। यहाँ पे रिकवरी वैन के साथ बहुत तगड़ा सीन हो गया, सफारी बहुत भारी पड़ रही है और पिकअप जो आगे से उठ रही है बार बार, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकले। फिर तो गाड़ी भी भिजवा दी है, बाकी देखते हैं क्या रहता है, शोरूम पे नया डलवाना पड़ेगा या फिर ये रिपेयर हो जाएगा, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करूँगा।